अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त ट्रेड, और आज के दिन में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है ट्रेड में। अच्छा, कल के दिन हमारा अनफॉर्चुनेटली एक एसएल हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और तकरीबन हमने कोई 11-12 सिग्नल दिए, उसमें से कोई एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इट मीन अभी भी हमारी एक्यूरेसी 90-95% एक्यूरेट चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एसएल का मैंने आपको कल भी बताया था, एसएल हिट अगर आपका हो रहा है तो एसएल हिट होने दें, उस चीज को लेकर ऑन करना, उस चीज को कि नहीं नहीं मार्केट घूम के वापस आ जाएगी, उसको थोड़ा ओपन कर देते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा करा होगा उन लोगों से उनको लॉस फेस करना पड़ा होगा, जिन लोगों ने छोटा सा लॉस लेके साइड हो गए होंगे वो सुकून से होंगे। कॉपी ट्रेडिंग में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कॉपी ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर सबको सेम चाहिए, सही है? ब्रोकर किसी को पूछना है तो ब्रोकर के लिए आप लोगों को क्या करना है, ब्रोकर के लिए आपने से मुझे लिखना है व्हाट्सएप पे ब्रोकर नेम। ब्रोकर सबको सेम चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा ब्रोकर होगा क्रॉस ब्रोकर में सिंबल का इशू होता है और दो तीन और इशूज होते हैं जिसकी वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती है, सही है? ट्रेड में इशूज आते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग जिन जिन लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई हुई है, तो उन लोगों का अगर अभी तक नहीं लगा है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मेन इशू ये आ रहा होगा ब्रोकर का। एक दफा आपको ब्रोकर से हो जाएगा तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, कोई आपके लिए मसला मसाइल नहीं होगा। फिर तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप लोग जो लोग कॉपी ट्रेडिंग में बन चुके हैं और उनका अभी तक अटैच नहीं हुआ है तो मुझे ब्रोकर लिंक का मैसेज करें। सिर्फ लिखते हैं ब्रोकर लिंक, मैं उनको ब्रोकर लिंक बताऊंगा कि ये आप इस ब्रोकर पे अपना अकाउंट खोलेंगे, सेम ब्रोकर पे स्लिपेज नहीं होती ज्यादा और अपना ट्रेड मैनिपुलेशन नहीं होती, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं होती हैं, सही है? तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए आज बहुत जबरदस्त एक ट्रेड लेके आया। अच्छा, काफी सारे लोगों ने जो कल के दिन लॉस कराया वो लॉस क्यों कराया, क्योंकि पिछले एक महीने से मार्केट चल रही थी, रिट्रेसमेंट ले रही थी, पुल बैक्स ले रही थी H1 H4 के। आज मार्केट ने जो कल का और आज का मूव है, मार्केट ने D1 की रिट्रेसमेंट ली है। तो जब भी कभी बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट मार्केट ले रही होती है तो एक बड़ा मूव देती है, चाहे वो बाई कर दे चाहे सेलिंग कर दे, और ऑलरेडी जो है मार्केट काफी बाइंग में जा चुकी थी, तो ये एक एक्सपेक्टेड मूव था। अगर आप मेरी 4-5 दिन पुरानी वीडियो देखते हैं उसमें मैंने आपको मूव बताया था कि एक एक्सपेक्टेड एक सेलिंग का मूव आएगा, उसमें हमें बाइंग में बैठना होगा प्रॉपर एग्जैक्ट लेवल से। अच्छा, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़ी लेट हो गई वीडियो, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग पे अकाउंट लगे हुए थे उन लोगों को, प्रॉफिट पे ट्रेड आज भी अलहमदुल्लाह हम लोगों ने क्लोज करी है तो उसकी वजह से टाइम लग गया था। तो आज के दिन हमारा जो एक्यूरेट लेवल था वो था 1940 का। मार्केट तो यहाँ से तकरीबन 70 पे पॉजिटिव चल रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम H1 देखते हैं तो H1 ने हमें फॉर्मेशन अभी दिखा दी है बाइंग की। यहाँ पे हमारा SL क्या हो सकता है, SL हमारा इसका हो सकता है 40 है, तो हमारा SL हो सकता है इसका 38 हमारा SL इसका हो सकता है 1938 हमारा SL इसका हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा बाइंग हमारा टारगेट कहाँ कहाँ तक है, ये बाइंग का इसका हमारा पहला टारगेट है 1955, दूसरा टारगेट हमारा है 1962, तीसरा टारगेट हमारा है 1968 और चौथा टारगेट हमारा है 1974। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। जैसे ही टारगेट्स को मार्केट ऊपर क्रॉस कर देगी तो उसके बाद मार्केट एक नया हाई बना जाएगी जो 2000 तक का है। आपको मैंने बताया था जो मार्केट नीचे थी, जब मार्केट कोई 1800 समथिंग थी, जब मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बार पहले बताया था मार्केट 2000 पे आएगी, फिर उसके बाद गिरने के बाद आपको दोबारा बताया था मार्केट 2000 तक जाएगी। और अभी जो सिनेरियो मार्केट का दिख रहा है, ये सिनेरियो दिख रहा है आने वाले 3-4 साल में मार्केट 2000 पे ही रुकेगी। आने वाले 3-4 साल में मार्केट जो है 2500 से 3000 तक जाएगा, गोल्ड मार्क माय वर्ड्स। सही, आपको इस सदी की सबसे जबरदस्त ट्रेड देने जा रहा हूँ, इस डेकेड का सबसे जबरदस्त ट्रेड देने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत प्रॉफिट देगी। अच्छा, इसी के साथ साथ आए थे मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे। आज के दिन में आपको टेक्निकल एनालिसिस मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस बंदे 40 आई गया था, यहाँ से लेवल तो हमारा थोड़ा बहुत मिस हो चुका है, अभी तकरीबन 80-70 के नीचे हमारा लेवल था, बाकी और 60 पे इसकी क्लोजिंग है, 60 भी देख सकते हैं आप, रिट्रेसमेंट एरिया। अच्छा, प्राइस अगर 60 से यहाँ से सेलिंग में जाती है तो बहुत 60 या 58 या 59 से थोड़ा पहले से अगर प्राइस मूव कर जाती है तो बहुत बड़ी सेलिंग मिल सकती है आपको। अच्छा, जैसे ही प्राइस अगर 1960 को ब्रेक करके 1964 कर देती है तो उसके बाद फिर हम सेलिंग को छोड़ेंगे, हमें रिट्रेसमेंट का एरिया ढूंढेंगे, जो कि हमारा रिट्रेसमेंट का एरिया होगा 52-51 का, वहां से हम दोबारा फिर बाइंग करेंगे। तो ये आज के दिन की यह आज की जिंदगी कुछ ट्रेड थी। इसी के साथ अपने आप देखते हमें सबका ख्याल रखिएगा, फिर हमारे लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।